ऑर्गेनिज्म। तो आज हम साइंस का 10th क्लास में 4th चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नेम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अभी हम इसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे, वो बताया जाएगा। और सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपने 10th क्लास में पीरियोडिक टेबल पढ़ा हुआ है, सॉरी 9th क्लास में हमने डिस्कशन किया था, पूरा ज्यादा डिटेल में डिस्कशन तो नहीं था लेकिन हमें एलिमेंट्स का थोड़ा आइडिया लिया था कहाँ पे कौन से एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। तो वहां पे कार्बन भी एक पीरियोडिक टेबल का एक एलिमेंट था। अब आप खुद सोचिए पीरियोडिक टेबल में इतने एलिमेंट है लेकिन सिर्फ एक कार्बन को ही सिलेक्ट करके पूरा चैप्टर बना दिया गया हमारे 10th स्टैंडर्ड पे, तो उसी से हमें पता चल जाता है कि ये इंपॉर्टेंट कितना है कार्बन। ठीक है भाई, पूरा आपने एक चैप्टर उसका प्रिपेयर कर दिया है तो इसका मतलब क्या है कि कार्बन की कुछ इंपॉर्टेंस होगी, कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होंगी जो अदर एलिमेंट से डिफरेंट है जिसकी वजह से इसे एक अलग चैप्टर में इसे स्टडी किया जा रहा है एक पर्टिकुलर सिंगल एलिमेंट को। क्लियर है? तो ये तो बात रही इसकी कि हम ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसकी कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज है जो यहाँ पे हमें डिस्कस करनी है पहली बात। अब बात हम ये करते हैं कि एलिमेंटल फॉर्म में और कंबाइंड फॉर्म में। ठीक है, मतलब अगर हम ये बोले कि अगर ये जो कार्बन को अगर हम सेलेक्ट करते हैं इसे अगर आप एलिमेंटल फॉर्म में ले लीजिए, इसे आप या तो एलिमेंटल फॉर्म में ले लीजिए या फिर आप इसे किस में ले सकते हैं बेटा, कंबाइंड फॉर्म में भी ले सकते हैं। कंबाइंड फॉर्म का मतलब ये हो जाता है कि ये किसी अदर एलिमेंट के साथ मिलकर क्या बना रहा है, कोई कंपाउंड बना रहा है। और एलिमेंटल फॉर्म में सिंपल सिंगल प्रेजेंट है, ठीक है, एलिमेंट के फॉर्म में। तो अगर ये इन दोनों फॉर्म में प्रेजेंट हो, भले ही वो एलिमेंटल फॉर्म में हो या फिर किस फॉर्म में हो, आपका कंबाइंड फॉर्म में हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है इसकी, बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है, इमेंस सिग्निफिकेंस होती है इसकी किसी भी फॉर्म में अगर ये मिलता है तो। कार्बन इतना इंपॉर्टेंट बताया गया, ये पहली बात तो ये हमने क्लियर कर ली कि ये इंपॉर्टेंट है और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो अदर एलिमेंट से डिफरेंट है जो हमें यहाँ पे इस चैप्टर में सीखनी है, जो 10th स्टैंडर्ड पे सफिशियंट है। अब बात करते हैं डिटेल स्टडी। देखिए कार्बन एक इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आप नेक्स्ट क्लासेस में भी जाएंगे तो इसका जो लेवल है वो बढ़ता चला जाएगा डिटेल स्टडी। 11th में जब आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे तो और ज्यादा डिटेल स्टडी पढ़ेंगे आप कार्बन के बारे में, कार्बन के कंपाउंड की स्टडी करेंगे, वहां पे आप IUPAC नेम भी करेंगे डिफिकल्ट कंपाउंड्स के, रिंग चेन कंपाउंड्स के, तो वो एक हायर लेवल पे बढ़ती चली जाती हैं चीजें। लेकिन यहाँ 10th स्टैंडर्ड पे जो सफिशिएंट है वो हम यहाँ पे सीख लेंगे मिनिमम, और ये बेस भी है। ठीक है, आपको उसमें जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो वहां पे इससे क्या मिलेगा, आपको हेल्प मिलेगी कि आप इतना सीख क्या है, सफिशियंट आपको इतनी नॉलेज है, बेसिक नॉलेज जिसे हम बोलते हैं। क्लियर? तो ये फर्स्ट पॉइंट हमने बोला कि एलिमेंटल फॉर्म में हो या फिर कंपाउंड कंबाइंड फॉर्म में हो, इसकी इमेंस सिग्निफिकेंस होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हम ये बोलते हैं कि हमारे जो नेचर है ना बेटा, नेचर में बहुत सारे, या हमारे अपने डेली लाइफ में अगर हम देखें तो बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं, बहुत सारे ऐसे मटेरियल हैं जो डेली लाइफ में यूज करते हैं जो कार्बन के बने हुए हैं लेकिन हमें नहीं पता कि वो कार्बन के बने हुए हैं या नहीं है या किसी और चीज से बने हुए हैं, आइडिया नहीं है। तो अब बात ये आती है कि जो डेली लाइफ में जो प्रोडक्ट्स हम यूज करते हैं वो क्या है, कार्बन के कंपाउंड हो सकते हैं, लेकिन हमारे माइंड में ये आता है कि हमें कैसे पता चलेगा। बात ये है ना कि हमें कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पे तीन क्वेश्चन हमारे माइंड में आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में ये आता है कि टेस्ट क्या है उसका। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि उस चीज का हम क्या टेस्ट कर सकते हैं। टेस्ट का मतलब कि हमें पता कैसे चलेगा, किस किस तरह से हम पता लगाएं कि ये पर्टिकुलर कंपाउंड कि कार्बन का बना हुआ है। सपोज ये मार्कर है तो हमें कैसे पता चले कि ये मार्कर कार्बन से ही बना हुआ है कि कार्बन के कंपाउंड से ही बना हुआ है, ये आइडिया कैसे लगे। तो पहला तो हमें ये पता लगाना है कि टेस्ट क्या हो सकता है पॉसिबल जिससे हमें ये आइडिया लग जाए। सेकेंड पॉइंट ये हो सकता है कि एक बात माइंड में आएगी कि अगर मैं सपोज ये कंपाउंड कार्बन से बना हुआ है और अगर मैं कार्बन का बना हुआ कंपाउंड बर्न करता हूं तो मुझे क्या प्रोडक्ट मिलेगा। समझ में आ रही है बात कि क्या प्रोडक्ट मिलेगा या ऐसा कौन सा करैक्टरिस्टिक रिएक्शन वो शो करेगा जिससे हम एक बोल सकते हैं कि हाँ ये पर्टिकुलर कंपाउंड कार्बन का है, बर्न करने पर यही प्रोडक्ट मिलता है कार्बन के कंपाउंड जब बर्न करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन हमारे माइंड में ये आ सकता है बर्निंग ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। ठीक है, जब आप कार्बन कंपाउंड्स को बर्न करते हैं तो आपको बेटा प्रोडक्ट क्या मिलेगा। ठीक है, मतलब क्या प्रोडक्ट बनता है वहां, वो एक माइंड में क्वेश्चन आ सकता है। और लास्ट क्वेश्चन माइंड में ये आ सकता है जब आप ये सब चीजें क्लियर कर लेंगे कि कंफर्मेशन कैसे होगा कि हाँ ये कंपाउंड कार्बन से ही बना हुआ है, एक कंफर्मेटरी टेस्ट होगा जिससे ये कंफर्म हो जाएगा एग्जैक्टली कि हाँ ये
कंपाउंड कार्बन से ही बना हुआ है, अब ये कंफर्म हो चुका है, हमारे माइंड में कोई डाउट नहीं है इसके रिगार्डिंग। तो लास्ट हम ये बोल सकते हैं कंफर्मेशन, कंफर्मेशन टेस्ट बोल सकते हैं हम उसे, ठीक है, कि मतलब ये कंफर्मेशन हो जाए। तो ये बेसिक क्वेश्चंस हैं जो हमारे माइंड में आ सकते हैं जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे, ठीक है। पहली बात तो ये हुई थी जो मैंने यहां बताई थी, और सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा ये डिस्कस हो गया कि ये माइंड में क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे देखो कुछ एग्जाम्पल्स बता देता हूँ जो एनसीईआरटी ने भी मेंशन किए हैं, वैसे तो बहुत एग्जाम्पल है लेकिन कुछ एग्जाम्पल ये बता देता हूँ मैं आपको कि ये कार्बन से बने हुए होते हैं, ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं कार्बन इसमें प्रेजेंट है। सपोज फूड, सबको पता है कि ये जो फूड पार्टिकल्स होते हैं या फूड होते हैं इसमें क्या होता है बेटा, कार्बन प्रेजेंट होता है। सेकंड हम क्या बोल सकते हैं, क्लोथ्स, ठीक है, ये तो सिर्फ एक आइडिया देने के लिए, ऐसा नहीं कि ये चीजें रट के बैठनी है हमें कि हाँ ये चार कंपाउंड बताए हैं यही कार्बन से होते हैं, बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, लेकिन एक सिर्फ एक आइडिया देने के लिए, एक इमेजिनेशन प्रिपेयर करने के लिए चैप्टर के आगे के लिए ये बना रहे हैं हम, ठीक है। फूड हो गए, क्लोथ्स हो गए, वही मेंशन कर रहा हूं जो एनसीईआरटी ने बताए हुए, ठीक है बेटा। मेडिसिन हो गए, नहीं तो ये मार्कर भी इसके अगर हम देखेंगे ये प्लास्टिक के फॉर्म में है तो ये पॉलीमर है किसी ना किसी का, ठीक है, अगर आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो पता चलेगा आपको, तो पॉलीमर है और पॉलीमर में कहीं ना कहीं कार्बन तो इन्वॉल्व हो गई होगा, कंफर्म है। तो फूड, क्लोथ्स, मेडिसिन, या हम क्या बोल सकते हैं बेटा, बुक्स, ETC, ये सभी क्या है बेटा, कार्बन के कंपाउंड्स है, कार्बन के कंपाउंड्स। यहां तक हमारा क्लियर हुआ, तो एक थोड़ा सा हमने एग्जाम्पल्स का थोड़ा आइडिया लगाया, वो ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो डेली लाइफ में हम कहीं ना कहीं इनसे देखते हैं, ठीक है। बात करते हैं इन क्वेश्चंस की, इन क्वेश्चंस के आंसर हमें मिल जाएंगे जब हम टैकल करेंगे इस चैप्टर में आगे, है ना, धीरे धीरे जब हम पढ़ते चले जाएंगे, तो जब ये चैप्टर धीरे धीरे कंप्लीट होगा, एंड तक पहुंचेगा, तो उस टाइम तक इन सब चीजों के आंसर हमें मिल जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन तो स्टार्टिंग में हमारे माइंड में आया कि ऐसा क्या हो सकता है, तो धीरे धीरे जब पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे तो एट द एंड लास्ट में क्या होगा, फाइनल हमें इनके आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए पूरा चैप्टर हमें पढ़ना है ध्यान से अच्छे से, ठीक है। यहां तक तीन कंप्लीट पॉइंट हो गए, अब बात करते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, जैसे मैं बात करता हूं प्रॉपर्टीज की, कि भाई कार्बन की ऐसी प्रॉपर्टीज कौन सी है जिसकी वजह से कार्बन अदर एलिमेंट से डिफरेंट है और जिसकी वजह से पूरा चैप्टर बना दिया गया है, तो वो क्या है हमारा एम है, टारगेट है हमारा, एम हमारा टारगेट क्या रहेगा इस चैप्टर में, बेसिकली अगर हम बात करें तो हमारा एम और टारगेट है इस चैप्टर में, सिंपल अगर मैं बात करूं तो हमारा है बेटा प्रॉपर्टीज, सिंपल हमारा क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, मतलब कार्बन की प्रॉपर्टीज के बारे में इस चैप्टर में हम जितना ज्यादा से ज्यादा सीख सकते हैं अपने 10th स्टैंडर्ड पर वो हम सीखेंगे, ठीक है। उनसे हमें ये आइडिया लग जाएगा कि कार्बन अदर एलिमेंट से डिफरेंट है जिस वजह से ये चैप्टर बनाया गया है और जिसकी वजह से कार्बन लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स को बनाता है, ठीक है, जो हम यहाँ पे स्टडी करते हैं, धीरे धीरे पता चलता आपको चला जाएगा। तो ये हमारा टारगेट रहेगा इस चैप्टर का, बेसिकली पूरा डिटेल डिस्कशन करेंगे हम कार्बन का। अब देखो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बताते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है बेटा, अब हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा इसके बारे में, थोड़ा परसेंटेज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखो परसेंटेज की बात करते हैं अब हम, ठीक है। क्वेश्चन माइंड में ये आया कि जिस कार्बन की हम इतनी इंपॉर्टेंस दिखा रहे हैं इस चैप्टर में और एक अलग चैप्टर बना दिया है, तो ये जो पर्टिकुलर कार्बन एलिमेंट है ये किस फॉर्म में हमारे नेचर में प्रेजेंट है, हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, हमारे अर्थ पर प्रेजेंट है और कितनी परसेंटेज में प्रेजेंट है, ये हमें पता होना जरूरी है इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, ठीक है। तो यहां पर देखिए, मैं यहां पर लिखता हूं अर्थ क्रस्ट, ठीक है बेटा, अर्थ क्रस्ट, ये अर्थ क्रस्ट क्या है, सोशल साइंस में अर्थ क्रस्ट हुआ, मिनरल्स हुआ, ये टॉपिक आ चुके हैं छोटी क्लासेस में साइंस में या फिर सोशल साइंस में आप पढ़ चुके हैं अर्थ क्रस्ट के बारे में। अब जो कार्बन है ना बेटा अर्थ क्रस्ट में मिलता है, कार्बन अर्थ क्रस्ट में मिलता है और कितनी परसेंटेज में मिलता है वो बताना है यहाँ पे और किस फॉर्म में मिलता है। तो हमारे अर्थ क्रस्ट में कार्बन मिलता है मिनरल्स के फॉर्म में, किस फॉर्म में मिलता है बेटा, मिनरल्स के फॉर्म में मिलता है। अब वो कौन कौन से मिनरल्स के फॉर्म में मिल सकता है वो ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ये मिल सकता है कार्बोनेट्स के फॉर्म में मिल सकता है, ठीक है, ये
ये हाइड्रोजन कार्बोनेट के फॉर्म में मिल सकता है, ये कोल कोल के फॉर्म में मिल सकता है, ये पेट्रोलियम के फॉर्म में मिल सकता है। ठीक है, हमारे अर्थ क्रस्ट में कार्बन मिनरल्स के फॉर्म में मिलता है, कोल पेट्रोलियम कार्बोनेट हाइड्रोजन कार्बोनेट के फॉर्म में। परसेंटेज कितनी परसेंट में मिलता है बेटा, ये हमारे अर्थ क्रस्ट में कार्बन इस फॉर्म में कितनी परसेंट में मिलता है ये ध्यान रखिएगा, 0.02%। ठीक है, सिर्फ इतने कम अमाउंट में ये मिलता है। सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि अर्थ क्रस्ट में तो ठीक है, लेकिन क्या एटमॉस्फेयर में भी मिलता है कार्बन, और अगर मिलता है तो किस फॉर्म में मिलता है? बिल्कुल मिलता है, कार्बन अर्थ क्रस्ट में भी एटमॉस्फेयर में भी मिलता है, सॉरी। ठीक है बेटा, ये हमारे एटमॉस्फेयर में भी मिलता है, कार्बन एटमॉस्फेयर में मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में, ध्यान रखिएगा, सबको पता है इस चीज का, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में मिलता है, जिसे हम बोल देते हैं बेटा CO2। और इसकी जो परसेंटेज है, इसकी परसेंटेज भी कोई ज्यादा नहीं है, बट अगर अर्थ क्रस्ट के कंपैरिजन में बात करें तो उससे ज्यादा है, 0.03%। ओवरऑल सारी परसेंटेज मिला के भी 0.05% ही हो रही है। ठीक है, 1% या 0.5% भी नहीं है, इतना कम परसेंटेज में है कार्बन हमारे अर्थ क्रस्ट और एटमॉस्फेयर में, लेकिन फिर भी इसकी जो सिग्निफिकेंस है, इसकी जो इंपॉर्टेंस है, वो बहुत ज्यादा है। तो ये परसेंट ध्यान रखिएगा, ठीक है, परसेंटेज ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लिया होगा आपने। अब देखो मैं बता देता हूं आपको कुछ, हम बेसिकली अब बॉन्डिंग के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे कार्बन की। सबसे पहले हम बॉन्डिंग पढ़ेंगे, बाद में और डिटेल डिस्कशन करेंगे। अब जब बात आती है ना बॉन्डिंग की कार्बन में, तो कार्बन में बॉन्डिंग से पहले हमें थोड़ा सा डिस्कशन उसका करना पड़ता है, आयनिक कंपाउंड्स का। ठीक है, वो मैं बता देता हूं, वैसे तो वो डिस्कशन 9th क्लास का है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा एक इंट्रो दे देता हूं मैं यहां पे। तो हम यहां पे लिख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। अब बात करते हैं आयनिक कंपाउंड जो होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो क्या होती है, जो ऑलरेडी हम पढ़ के आए हैं, थोड़ा सा एक देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट तो हमने ये पढ़ रखा है कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, हाई होता है। तो सिंपल क्या लिख सकते हैं हम, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई। ठीक है, सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये लिख सकते हैं हम कि यहां पर ये जो बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड होता है, ये नॉन डायरेक्शनल होता है। ठीक है, नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड सेकंड। ठीक है, थर्ड हम बात करते हैं, इट इज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ये मॉल्टन स्टेट और सॉल्यूशन में कंडक्ट करते हैं। ठीक है, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन एंड मॉल्टन स्टेट, या तो सॉल्यूशन में कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को या मॉल्टन स्टेट में, सॉलिड स्टेट में आयनिक कंपाउंड्स कभी भी कंडक्ट नहीं करते। ठीक है, ये पॉइंट्स हो गए। और लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बता देता हूं, बेसिकली ये बॉन्ड होता क्या है। ठीक है भाई, एक इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच में बेटा, बिटवीन ऑलरेडी बताया मैं, कैटायन एंड एनायन, इसी को क्या बोल दिया जाता है, आयनिक बॉन्ड बोल दिया जाता है, या फिर इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड बोल दिया जाता है। इसी को क्या बोल दिया जाता है बेटा, आयनिक बॉन्ड बोल सकते हैं हम, या फिर हम क्या बोल सकते हैं बेटा, और इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड।
क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोवैलेंसी इन्वॉल्व होती है, ठीक है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या फिर आयनिक बॉन्ड बोल सकते हैं। तो बेसिकली ये पॉइंट्स हमें ध्यान रखने हैं आयनिक कंपाउंड्स के रिगार्डिंग, जो हम ऑलरेडी पढ़ गए हैं। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इसलिए हाई होता है क्योंकि बेटा यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है वो अपोजिटली चार्ज्ड आयंस के बीच में बनता है, एक कैटायन है तो एक एनायन है, ठीक है, अपोजिटिवली चार्ज आयंस के बीच में अट्रैक्शन होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वहां पे एक बॉन्ड बन जाता है जो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, इसीलिए मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। ये बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड इसलिए है बेटा क्योंकि यहाँ पे अगर सपोज ये है आपका सोडियम है और इस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो बेटा जितना अट्रैक्शन इस डायरेक्शन से लगेगा सेम अट्रैक्शन इस डायरेक्शन से लगेगा, उतना ही अट्रैक्शन इस डायरेक्शन से लगेगा। मतलब सिंपल सी बात यह है कि अगर ये किसी निगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा तो ऑल डायरेक्शन से क्या होगा, इक्वल अट्रैक्शन होगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में इसे क्या बोल जाता है, नॉन डायरेक्शनल है, कोई डायरेक्शन नहीं होती, सभी डायरेक्शन से क्या है, इक्वल अट्रैक्शन लगता है, इक्वल फोर्स लगाई जाती है, स्ट्रॉन्ग है मेल्टिंग पॉइंट। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कभी भी सॉलिड स्टेट में नहीं करेगा, सॉलिड स्टेट में इसलिए नहीं करेगा कंडक्ट क्योंकि सॉलिड स्टेट में आयन सेपरेट नहीं होंगे, और जब तक आयन सेपरेट नहीं होंगे इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही क्या करते हैं, कंडक्शन में हेल्प करते हैं। तो इसीलिए अगर ये करेंगे तो सॉल्यूशन या मॉल्टन स्टेट में ही करेंगे क्योंकि वहां पर आयन मिल सकते हैं, ठीक है। ये थोड़ा जनरल डिस्कशन हो गया प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। अब बात करते हैं कार्बन की प्रॉपर्टीज। कार्बन की प्रॉपर्टीज अभी डिस्कस नहीं करेंगे, उस बाद में करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही किसी एलिमेंट का बेस होता है जो उसकी मैक्सिमम प्रॉपर्टीज को हमें ऑलरेडी बता देता है, ठीक है। अगर हम उसके ज्यादा डिटेल डिस्कशन भी ना करें तो हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से बहुत कुछ पता चल जाता है कि कितनी वैलेंसी करता है, कैसे कंपाउंड बनाएगा, रिएक्टिविटी क्या हो सकती है इसकी, क्या शेल का अरेंजमेंट रहेगा, क्या उसकी आईपी होगी, क्या इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी होगी, क्या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी, सारी प्रॉपर्टी हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही पता चल जाती है, समझ रहे हैं आप। तो इसलिए स्टार्टिंग में हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ही लिखना सीखेंगे और इसका लिखेंगे कार्बन का, ठीक है, ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं 9th क्लास में। तो यहां पे मैं आपको बता देता हूं अब थोड़ा सा वैलेंसी के बारे में, ठीक है, क्योंकि यहां पे वैलेंसी का डिस्कशन आएगा, तो ये करके थोड़ा सा वैलेंसी के बारे में देख लेते हैं और उसके बाद फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। देखो बेटा वैलेंसी क्या होती है, वैसे तो हमें पता है वैलेंसी की डेफिनेशन, सबको पता है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है, किसी एलिमेंट के एटम की जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है उसी को वैलेंसी बोलते हैं, कि कोई पर्टिकुलर एटम किसी एलिमेंट का किसी दूसरे कितने एटम के साथ कंबाइन होगा या कितने के साथ बॉन्ड बना सकता है या कितने बॉन्ड बनाएगा उसी को क्या बोल जाता है, वैलेंसी बोल जाता है। और बेसिकली जो ये वैलेंसी होती है बेटा, ये वैलेंसी डिपेंड करती है, ये वैलेंसी डिपेंड करती है बेटा इलेक्ट्रॉन्स पर, ये वैलेंसी डिपेंड करती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर ही वैलेंसी डिपेंड करती है, ठीक है। अब बात आती है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, तो ध्यान रखिएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। अगर मैं बात करूं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में तो हम क्या बोल सकते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं द इलेक्ट्रॉन्स, द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल, द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल, उसे क्या बोल देते हैं, आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोल देते हैं, और इन्हीं इलेक्ट्रॉन पे वैलेंसी डिपेंड करती है। इन्हीं इलेक्ट्रॉन पे वैलेंसी कैसे डिपेंड कर देती है वो बता देता हूं मैं आपको, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। पीरियोडिक टेबल की बात कर रहा हूं, फर्स्ट ग्रुप की वैलेंसी होती है बेटा 1, ठीक है, सेकेंड ग्रुप की वैलेंसी होती है बेटा 2, 13 ग्रुप की वैलेंसी होती है बेटा 3, 14 ग्रुप की वैलेंसी होती है बेटा 4, ठीक है। अब यहां पे बात करता हूं 15 ग्रुप की जो वैलेंसी होती है बेटा वो निकाली जाती है 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 8 में से वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस करके निकाली जाती है, और 15 ग्रुप के बाद वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, तो इसकी वैलेंसी हो गई 3, ठीक है। 16 ग्रुप की वैलेंसी होगी 8 माइनस 6, यहाँ पे आ गया 2, 17 ग्रुप की वैलेंसी होगी 17 में 7 हो जाएंगे, सॉरी 8, 8 माइनस 7 ये हो जाएगी 1, और 18 ग्रुप की वैलेंसी होगी बेटा
एट माइनस एट इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो ये वैलेंस ही आ गई फर्स्ट ग्रुप की, सेकंड की 13। लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ ग्रुप स्किप कर दिए हैं, वो जो ग्रुप स्किप किए गए हैं वो कौन से हैं बेटा, 3, 2, 12 ग्रुप ये, ठीक है। इनकी वैलेंसी जो होती है वो वेरिएबल होती है, इनकी वैलेंसी जो होती है वो बेटा वेरिएबल होती है, मतलब मैं डिफाइन नहीं कर सकता, फिक्स नहीं बोल सकता कि इसकी वैलेंसी 3 होगी या 2 होगी, फिक्स नहीं की जा सकती। और जब तक वैलेंसी फिक्स नहीं की जा सकती तो मैं यहाँ पे डिफाइन भी नहीं कर सकता, इसलिए मैंने लिख दिया वेरिएबल, क्योंकि ये डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं और डी ब्लॉक एलिमेंट वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, जो आप एक डिटेल डिस्कशन करेंगे जब आप जाएंगे 12th क्लास में केमिस्ट्री में, डी ग्रुप या फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वहां पर अलग से बनाया हुआ है इसका चैप्टर। तो बेसिकली फर्स्ट ग्रुप की वैलेंसी 1, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बैलेंस इलेक्ट्रॉन एक ही होता है। सेकंड ग्रुप की वैलेंसी 2, क्योंकि यहाँ पे बैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 ही होता है, तो कहीं ना कहीं बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड कर रही है वैलेंसी। उसके बाद 13 ग्रुप के बाद बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 3, तो वैलेंसी 3। 14 ग्रुप के बाद बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, तो वैलेंसी 4, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड कर रही है। 15 ग्रुप के बाद बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, लेकिन यहाँ पे अब थोड़ा टेंडेंसी अलग हो गई है, लेकिन कहीं ना कहीं डिपेंड तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन पर ही कर रहा है। 8 में से माइनस करके निकालते हैं, क्यों निकालते हैं उसका रीजन अलग है, ठीक है। 8 माइनस बैलेंस इलेक्ट्रॉन करते हैं, उसके बाद आंसर आया था 15 ग्रुप के बाद बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं, 16 के पास 6 होते हैं, 17 के पास 7 होते हैं, 18 के पास 8 होते हैं। 8 में से सबको माइनस करोगे तो आंसर आएगा 3, 2, 1, 0। 18 ग्रुप की वैलेंसी होती है 0। 0 का मतलब होता है कि ये 18 ग्रुप के जो एलिमेंट होंगे ये किसी भी अदर एलिमेंट के एटम के साथ कंबाइन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इनकी वैलेंसी है 0। इसीलिए इन्हें क्या बोल दिया जाता है, इनर्ट गैस और नोबल गैस बोल दिया जाता है। इन्हें क्या बोल दिया जाता है, इनर्ट। इनर्ट का मतलब ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते, इनर्ट या फिर नोबल गैस बोल दिया जाता है इसीलिए, क्योंकि इनकी वैलेंसी क्या होती है बेटा, 0 होती है। तो ये ध्यान रखिएगा, देखिए टेंडेंसी दिखाई दे रही है आपको यहाँ पे, वैलेंसी फर्स्ट इंक्रीज 1, 2, 3, 4, अगेन देन डिक्रीज 3, 2, 1, 0, ठीक है। तो वैसे भी याद रख सकते हैं हम कि वैलेंसी इंक्रीज होती है, डिक्रीज। अब आप एक चीज ध्यान रख सकते हैं, एक आप जनरल पॉइंट बना सकते हैं। आप जनरल पॉइंट क्या बना सकते हैं कि जो ग्रुप 1 है, जो ग्रुप 2 है और जो ग्रुप 13 है और जो ग्रुप 14 है, यहाँ पे जो वैलेंसी होती है, यहाँ पे जो वैलेंसी होती है वो बैलेंस इलेक्ट्रॉन के इक्वल होती है। दूसरी आप टेंडेंसी ये बना सकते हैं, जो ग्रुप 15 होता है, जो ग्रुप 16 होता है और 17 होता है और 18 होता है, यहाँ पे बैलेंसी इक्वल होती है किसके, बैलेंसी इक्वल होती है 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन के, ठीक है। तो ये जनरल टेंडेंसी हमने बना ली। बाकी जो बीच में जो स्किप किए हैं वो वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, वो डिफाइन नहीं की जाती ना हमसे पूछी जाती कहीं पे। तो ये वैलेंसी का डिस्कशन हुआ, ठीक है बेटा। अब हम इससे आगे का डिस्कशन नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसी को आगे बढ़ाएंगे, डिफरेंट शेल्स के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखेंगे और क्या किस हिसाब से ये इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जाते हैं वो पढ़ेंगे, उसके बाद फिर अपनी कार्बन की स्टडी को स्टार्ट करना करेंगे शुरू, ठीक है बेटा। यहाँ तक के लिए चलिए, थैंक यू।